गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा रैशनलाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, बट इसके ऊपर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आते रहते हैं पेपर के अंदर। करना वही रैशनलाइज है, बट थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना देते हैं और करते कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स की वैल्यू गिवन है 3 + 2√2। हमें फाइंड करना है x + 1/x, x² + 1/x² x³ + 1/x³। अब इनको फाइंड करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटी यूज आती है। वो क्या होती है कि a + b² तो क्या होता है a² + b² + 2ab। ये हम 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पर 9th क्लास में एक आइडेंटिटी और पढ़ेंगे हम, इस चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, बट इधर यूज आती है तो बता देता हूँ। वो होती है a + b³। वो क्या होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। या इंडिया हम लोग पढ़ेंगे, ऑल दो सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में यूज आ रही है तो अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन भी इसके ऊपर बेस्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन के x की वैल्यू दे रही है 3 + 2√2। फाइंड करना है x + 1/x, x² + 1/x² x³ + 1/x। देखो कैसे करते हैं, हमें x तो कितना दे रखा है 3 + 2√2। तो अगर हम 1/x निकालें तो 1/x कितना आ जाएगा, ये x है, ये x की वैल्यू है, 1/x निकालें, जब इधर x का रेसिप्रोकल हो गया तो ये भी x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 + 2√2। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास वही डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया तो हमें नहीं चाहिए, तो अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर नीचे 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, 1 तो मल्टीप्लाई हो गया तो 3 - 2√2 आ गया, अपॉन a - b, a + b² - b² तो कितना आ गया 3 - 2√2 / 9 - 2² = 4, √2² = 2, 4 × 2 = 8। तो 1/x कितना आ गया हमारे पास 3 - 2√2 / 1। देखो अब क्या है, देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, मतलब ये हमारे पास x की वैल्यू है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं जो 1/x की वैल्यू आई है। तो करते क्या है, कंसेप्ट समझना कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन होती है, जैसे a = b है और c = d है, तो इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले, तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, मतलब a + c will be equal to b + d होगा, ये कंसेप्ट है। तो दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर इक्वल टू रहेगा, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखो एक वन इक्वेशन तो क्या है x + x = 3 + 2√2। दूसरी इक्वेशन क्या है 1/x = 3 - 2√2/1। तो अब क्या करेंगे, दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड करते हैं 1 + 2। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x + 1/x निकालना, जब ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे x + 1/x = ये दोनों ऐड हो जाएंगे प्लस, ठीक है। देखो ये +√2 - √2 कट गया, हमारे पास क्या आ गया x + 1/x = 3 + 3। तो x + 1/x कितना आ गया 6। ये आ गई पहले पार्ट की वैल्यू। देखो अब जब हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए ना, तो क्या करते हैं, एक चीज़ होती है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इसको हम SQBTSB लिख सकते हैं, पेपर के अंदर लिख देना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चलता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है थोड़ी सी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या होता है कि ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स का दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि अगर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं इस इक्वेशन की, देखो x + 1/x² = 6² ठीक है। अब इसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab = इधर जो 6 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा
36, ये x और ये x कट गया, हमारे पास क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 36, टू को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 36 माइनस टू दैट इज 34, क्लियर है, तो दूसरा आंसर ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 6, हमने क्या करा था, जब स्क्वायर चाहिए था तो हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया था, ये हो गया उससे, अब हमें क्यूब करना है तो क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, क्यूबिंग बोथ द साइड्स क्या होता है, दोनों साइड क्यूब हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, ठीक है। अब इसको देखो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको ओपन करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, देखो अब ये x और ये x कट गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये और ये मत काट देना, ये दोनों प्लस में है, ये मल्टीप्लाई में इसलिए कट रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 216, ठीक है। अब एक बात सुनो, अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर इसकी वैल्यू पता लग जाए तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या कितने, 6, तो ये 6 हम इधर रख देते हैं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 216, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब 3 इंटू 6 कितना 18 इज इक्वल टू 216, ठीक है। तो देखो अब इस 18 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216, 18 को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस 18 तो कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 198, ये हो गया नेक्स्ट का आंसर। चलो क्लियर है, देखो एक बार दोबारा समझो, आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, हमें गिवन था x की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2, ये तीन चीज़ें निकाल ली थी, ये भी आ गई हमारे पास, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास कितनी 3 प्लस 2 रूट 2, हमने 1 अपॉन x करा रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल हुआ तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया, बट हमें अंडर रूट नहीं चाहिए होता तो इसलिए हमने रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करने के लिए सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाले का साइन चेंज, 1 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया 3 माइनस टू रूट टू आ गया, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 रूट टू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, रूट टू का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, ये आ गया 8, 9 माइनस 8 कितना था 1, तो 1 अपन x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस टू रूट टू अपन 1। अब कंसेप्ट क्या होता है, अगर a इक्वल टू b और c इक्वल टू d और दो इक्वेशन है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ना तो a प्लस सी विल बी इक्वल टू b प्लस डी हो जाएगा, मतलब ये दोनों ऐड फिर इक्वल टू का साइन फिर ये दोनों ऐड, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, x की वैल्यू 3 प्लस टू रूट टू गिवन थी, 1 अपॉन x की वैल्यू 3 माइनस टू रूट टू हमने निकाल ली, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, जब ऐड करा तो x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस टू रूट टू प्लस 3 माइनस टू रूट टू माइनस टू रूट टू प्लस टू रूट टू कट गया 3 प्लस 3, x प्लस वन अपॉन एक्स कितना आ गया 3 प्लस 3, x प्लस वन अपॉन एक्स कितना 6। नेक्स्ट अब हमें स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x और ये x कट गया, इधर 6 का स्क्वायर हुआ तो कितना हो गया 36। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स का मतलब क्या होता है, दोनों साइड पूरा पूरा होल स्क्वायर कर दो, हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 36 आ गया, 2 को उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34 आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना पता है 6, हमने क्या करा दोनों साइड क्यूब कर दिया, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी, एक्स और एक्स कट गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 6 है, वो 6 वैल्यू हमने इधर रख दी, 3 इंटू 6 18 आ गया,
एक्स क्यू प्लस वन अपन एक्स क्यू प्लस 18 इक्वल टू 216 18 को उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स क्यू प्लस वन अपन एक्स क्यू इज इक्वल टू 216 माइनस 18 इक्वल टू 198 हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस वीडियो के ऊपर बेस्ड हमारे पास दो क्वेश्चन है करने के लिए, एक तो क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 वाला, एक क्वेश्चन नंबर टू लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 वाला। जो क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 4 करके देखना, सिंपल है, नहीं होता तो अपन डिस्कस कर लेंगे। करना क्या है, जो इसका आंसर आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा मतलब ये एक आंसर आएगा, इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देना, बस करना ये, उससे आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर में बहुत रेयरली पूछा आता है, कर लेना, आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो बता देना, एक बार क्लास में डिस्कस कर लेंगे। करना क्या है, ये गिवन है, इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो क्लियर है, चलो आज के लिए बहुत है, थैंक यू।